हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, इसको लेकर ये रीडिंग है। सिंगल्स के लिए, जो मैरिड कपल्स हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप सभी के लिए रीडिंग होगी और बॉयज गर्ल्स सभी के लिए रीडिंग है। यहां मैं कार्ड शफल कर रही हूं, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड हम ले रहे हैं टैरो डेक से और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ वॉन्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्स, द चैरियट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और एकल डेक्स देखे हैं हम कार्ड्स। एनर्जी ऑरेकल डेक से एक्शन, एंजाइटी, कॉन्स की तरफ से अब क्या मैसेज है। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। फर्स्ट हम यहाँ सिंगल्स के लिए अगर देखें तो आपकी लाइफ में कौन पर्सन आपके लिए आ सकते हैं इस मंथ में, या मैरिज प्रपोजल के थ्रू या इंटरनल भी आपकी लाइफ में जो आ सकते हैं वो हो सकते हैं प्रिंस ऑफ ऑटमन हो सकते हैं, वो जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, डिपेंडेबल, प्रोटेक्टिव और चिवलेरियस हो, वो ह्यूमरस हो, यानी वो काफी डिपेंडेबल हो, यानी हर चीज में वो डिसीजंस में आपको साथ लेकर चलेंगे, और प्रोटेक्टिव हैं, काफी रक्षात्मक उनका रवैया हो सकता है, चिवलेरियस हैं। और जो गर्ल्स देख रहे हैं स्पेशली उनके लिए बॉय आ सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ बॉयज के लिए ही यूज किया जाता है। काफी खुश मिजाज इंसान होंगे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का हो सकता है, बहुत खुश मिजाज इंसान होंगे, हंसने हंसाने वाले होंगे और अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं ये। और जो मैसेज है, कॉशन बट वाइज एक्शन, अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर्स। जी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं और काफी खूबसूरत इंसान होंगे ये, दिखने में काफी अच्छे होंगे और दिखने में भी काफी हैंडसम होंगे ये, स्पेशली गर्ल्स के लिए आ सकते हैं। वहीं जो बॉयज देख रहे हैं उनके लिए गर्ल्स जो आ सकती हैं वो हो सकती है क्वीन ऑफ ऑटमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी जेनरस हो सकती हैं वो, जेनरस हों, स्टाइलिश हों, ग्रेशियस हों, प्रैक्टिकल हैं, काफी स्टाइल सेंस उनका बहुत अच्छा हो सकता है और ग्रेसफुल होंगी वो, प्रैक्टिकल पर्सन है, यानी उन्हें पता है कि लाइफ किस तरह की होती है और लाइफ में किस तरह से सर्वाइव किया जाता है, और प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज्यादा ड्रीम्स में रहने वाली नहीं है और लाइफ को बहुत अच्छे से समझने वाली है, माइंडेड है, विजडम रखती है। और जो मैसेज है, बी प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू। जी, आपको अपनी लाइफ पर्पस में भी हेल्प करने वाले हैं, कैरियर में भी आपको ये काफी मदद करेंगी ये गर्ल स्पेशली, और ये हो साथ में ये बहुत वेल एजुकेटेड हो सकती हैं और आप इनसे, हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे इनसे मिले, ऐसा आप लोगों के लिए लग रहा है। और अगर हम स्पेशली देखें, जो बॉय देख रहे हैं उनके लिए अगर हम देखें तो आपके लिए ऐसी गर्ल आ सकती है जो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी की हों, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ये गर्ल हो सकती है, यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि की ये गर्ल हो सकती है जो आपको इस मंथ में अप्रोच करे अगस्त के मंथ में। और ये काफी क्यूट हैं, स्वीट हैं और चार्मिंग पर्सनैलिटी की हैं, इनोसेंट पर्सन हैं,
और ये जो भी काम करती हैं उनमें काफ़ी इनकी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है। कम एज में ही ये बहुत कह सकते हैं कि अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखती है, कोई शादी या स्टडीज की, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है फाइनेंशियली, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती हैं। वहीं जो गर्ल्स देख रही हैं उनके लिए बॉय ऐसे आ सकते हैं जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के हों, वो भी हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ राशि मकर राशि कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी हैंडसम है, गुड लुकिंग है और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, थोड़े से अंतर्मुखी हों ये और बात करने में थोड़ा टाइम लगाएं, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। पर काफ़ी प्रॉपर्टीज वाले हो सकते हैं, इनकी एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है और काफ़ी शांत स्वभाव के पर्सन हैं और एक जेंटलमैन इन्हें आप कह सकते हैं, पर थोड़े से स्लो मूविंग हो सकते हैं ये, थोड़ा टाइम लगे इनको, ऐसा हो सकता है आपके लिए, पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और वहीं के लिए एम्प्रेस का कार्ड है तो ये जो पर्सन है ये आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप बॉय हैं तो आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। काफ़ी जो भी पर्सन आपको मिलेंगे वो काफ़ी नर्चरिंग होंगे, केयरिंग आपके लिए होंगे और काफ़ी आपका ध्यान रखने वाले पर्सन मिलेंगे। अगर इस मंथ में जो अप्रोच करेंगे या जिनका प्रपोजल आएगा आपको मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी ये पर्सन आ सकते हैं और कुछ लोग इनसे जर्नी के थ्रू भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास द चैरियट कार्ड है तो ये है कि आप कहीं मूव करके जाएं, वहाँ आपकी इनसे फर्स्ट मीटिंग हो सकती है। और वहीं आप लोगों के लिए काफ़ी एनर्जीज भी आई है सिंगल्स के लिए, तो जहाँ हमने देखा है वहीं जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी हम देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ आया है एट ऑफ वॉन्स एनर्जी आई है, जो रिलेशनशिप में है आप काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें निपटा रहे हैं, मे बी आपके पर्सन तक आप अभी मूव करके जाना चाहते हैं और वो आप कर भी पाएंगे। जैसा आपके लिए द चैरियट कार्ड है जो मैंने बताया कि आपके पर्सन आप तक आए जर्नी के थ्रू, ये काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो उनमें ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये एक अच्छा गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपके पर्सन आप तक मूव करके आए। और कुछ स्क्रॉपियंस के लिए लग रहा है, ज़्यादातर स्क्रॉपियंस के लिए यहाँ लग रहा है कि टेन ऑफ वॉन्स एनर्जी हमें बता रही है कि आप चाहे सिंगल हैं या मैरिड हैं या आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी स्क्रॉपियंस यहाँ टेन ऑफ वॉन्स एनर्जी में हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और काफ़ी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं और आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, और आप पे काफ़ी बर्डन है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है आप पे। पर यहाँ जैसा आपके लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है तो आपके लिए ये है कि आप इस बार कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लाइफ को एक फ्लो में जाने दे रहे हैं, जो जैसा चल रहा है आप उसको बिल्कुल आप उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं और ये आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी होगा, लाइफ को एक फ्लो में ही आप जाने दे रहे हैं। वहीं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है थीफ का, तो जो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं स्पेशली सिंगल्स को, वो पुलिस में हो और आर्मी नेवी इस तरह की फोर्सेस में हो, ये भी काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। 24 यहाँ आया है तो 6 नंबर उनका मूलांक हो सकता है और जो सिंगल्स हैं उनको इस चीज़ का मैसेज बहुत जल्द मिलेगा। 14 नंबर आया है तो 5 नंबर एक चेंज का नंबर माना जाता है, मैसेज ऑफ कंसर्न, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो उन लोगों के लिए हो सकता है कि उनको उनके पर्सन या पार्टनर जो हैं वो मैसेज करें। अगर जिनका नो कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए हो सकता है कि आपको आपके पर्सन का कोई मैसेज मिले। और यहाँ लग रहा है कि आप लोग में से काफ़ी स्क्रॉपियंस जो है वो किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं या आपका अभी लॉन्ग डिस्टेंस है या कुछ बात नहीं हो रही। जैसा एनजाइटी का कार्ड आया है जो आपकी सिचुएशन बता रहा है कि कुछ स्क्रॉपियंस के लिए यहाँ लग रहा है, सभी के लिए नहीं होगा पर कुछ के लिए तो ये है ही, एनजाइटी है। कुछ लोगों ने अभी सेपरेशन को देखा है, लॉन्ग डिस्टेंस में है या किसी वजह से आप परेशानी में हैं, इवन सिंगल्स भी हैं तो वो भी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। एनजाइटी का कार्ड हमें बता रहा है कि लाइफ के कुछ सेक्टर्स में आप अभी संघर्ष कर रहे हैं या स्ट्रगल चल रहा है, आपका थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइमिंग रहा है और वो किसी भी वजह से हो सकता है। और पर आपको ब्लेस करने के लिए यहाँ आए हैं 4th चक्रा आर्कएंजल रफियाल आए हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको बहुत जल्द हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप लाइफ की ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे। आपके लिए भी बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आएंगे या न्यू आपके लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं और जो रिलेशनशिप में स्टक सिचुएशंस है वो बहुत जल्द दूर होगी और आप चाहें तो आर्कएंजल रफियाल से प्रे भी कर सकते हैं। और वहीं आपके जो पर्सन हैं वो एक्शन लेना चाहेंगे, जिन लोगों की स्टक सिचुएशन है या आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं या कुछ लोगों का जैसा यहाँ लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और आप जो एक्सेप्ट कर रहे थे आपने वो करना भी छोड़ दिया है, पर अब आपके पर्सन खुद से ही एक्शन लेने वाले हैं, आप तक वो मूव करके आएंगे और ये आपके पर्सन की पैशनेट एनर्जी को भी दिखा रहा है
तो आपके पर्सन जो हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी पैशनेट फीलिंग रखेंगे इस मंथ में स्पेशली, और वो आप तक मूव करके आए इसके काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। और वैसे भी जो सिंगल्स हैं उनके लिए जो प्रपोजल आ सकते हैं जिन पर्सन के, वो भी आपके लिए काफ़ी पैशनेट होंगे। और बहुत जल्द जहाँ हमें इस तरह की एनर्जी दिखी थी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शुरू में वो स्लो मूविंग हो सकते हैं पर फिर भी वो एक्शन लेना चाहेंगे, यानी आपकी तरफ उनका मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा आपकी सिचुएशन में। जो लोग किसी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आगे से उनको कॉल करे या मैसेज करे, ये हो सकता है कि आपके क्रश अब तक आए, या जो पर्सन आपके हैं वो आपके लिए कोई एक्शन लें, ये काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। और द हर्मिट कार्ड है हमारे पास, तो जो आप लोग काफ़ी हर्मिट मोड पे हैं, आप में से कुछ लोग जहां एंजाइटी से गुजर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अभी हर्मिट मोड पे भी हैं। और जो मैसेज है, फाइंड और बी ए मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी, अभी आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होने की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, ताकि लोगों के लिए यह है कि आप अपने ही सेल्फ एनालिसिस या आत्मविश्लेषण से बहुत सारे डिसीजंस अपने लिए लेने वाले हैं, और वो काफी वाइज डिसीजन होंगे, काफी बुद्धिमानी से खुद के लिए बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, और वो आपके लिए सही भी रहेगा, या कहें कि आपके लिए बहुत बेहतरीन निर्णय भी आप लेने वाले हैं। और हर्मिट हमें बताता है कि आपके लिए कोई वर्गो भी आ सकते हैं, स्ट्रांग वर्गो एनर्जी जो है वो आपके लिए अगस्त के मंथ में बहुत मायने रखेंगे। वर्गोस यानी कन्या राशि के लोगों के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन रहेगा इस मंथ में, और वो किसी तरह से आपको हेल्प भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ओपनिंग का कार्ड है, तो यूनिकॉर्न्स आपके लिए मैसेज आए हैं, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। जी, आपके लिए कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं, जैसा यहाँ स्टक सिचुएशन है तो उसमें भी आपको नए रास्ते दिखेंगे, स्पेशली रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। और जर्नली भी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या न्यू प्रपोजल्स भी आपके लिए आ सकते हैं। और फैदर का कार्ड है आपके लिए, ये आपके लिए बता रहे हैं कि आपको एंजल नंबर्स और फेदर्स का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि आप अकेले नहीं हैं। जिन लोगों का प्रॉब्लमफुल सिचुएशन है या किसी वजह से बहुत स्ट्रक सिचुएशन में आप हैं, जैसा आपने सेपरेशन वगैरह जैसा कुछ देखा है, या कुछ लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहे हैं, हर्मिट मोड पे हैं, तो उनके लिए यहाँ यूनिकॉर्न्स मैसेज आए हैं कि फेरीज आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स को, सब कुछ आपके लिए एक सही डिवाइन टाइमिंग पे होगा, और पेशेंस के साथ आप वेट करें, आपके लिए सब कुछ बहुत बेहतर होगा। और फेदर का कार्ड यही बता रहा है। वहीं हम देख लेते हैं सिंगल्स के लिए, जो पर्सन आपके लाइफ में इस मंथ में आ सकते हैं उनके अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं, और उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज होगा आपके पर्सन की तरफ से, ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट हम उनकी राशि देख रहे हैं, जो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं इस मंथ में, एरीज हो सकते हैं ये, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं। वहीं हम उनके अल्फाबेट्स देख रहे हैं, एल नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, ए नाम से हो सकता है, एन नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, एस नाम से हो सकता है, और सी नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है। वहीं जो आपके पर्सन हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। जी, आपके पर्सन और प्लीज स्टे, आई वॉन्ट टू फील हाउ फॉर एवर फील्स। जी, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, इस टुक मी मच टाइम टू रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। जी, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है कि उन्हें बहुत समय लगा ये जानने में कि वो गलत थे, और आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। जी, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। कुछ और मैसेजेस भी लेंगे, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव। जी, आपको वो स्टेप लेने के लिए शायद ऐसा समझ रहे हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा आप ब्रेव हैं, ऐसा आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। लाइफ इज ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू, आपके पर्सन की तरफ से भी मैसेज है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपकी वजह से है ऐसा। आई लव द वे माई हार्ट लाइट अप एवरी टाइम आई गेट अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम यू। जी, आपकी तरफ से जब भी मैसेज आता है उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। एक मैसेज और ले लेते हैं, यू आर द रीजन आई बिकम स्ट्रॉन्गर बट स्टिल यू आर माई वीकनेस। जी,
ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस से, और यही रीडिंग थी आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।